हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। टोक्यो ओलंपिक एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जिसमें से सवाल जो है निश्चित पेपर में छपने वाले हैं। तो आइए टोक्यो ओलंपिक जो 2020 था, जो हाल ही में दोस्तों संपन्न हुआ है, उससे संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, उन सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। अगली केवल 10 मिनट में मैं आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर। आइए दोस्तों मेरे साथ में। सबसे पहला पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक का जो आयोजन है 23 जुलाई को दोस्तों स्टार्ट हुआ था, 23 जुलाई 2021 को और 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन किया गया। ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से नंबर के समर ओलंपिक थे? 32 32वें नंबर के समर ओलंपिक है। पहला दोस्तों 1896 के अंदर, आप सभी को पता है, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ। 31वां दोस्तों रियो ओलंपिक 2016 में हुआ। 33वां भविष्य में दोस्तों जो अगला ओलंपिक है वो पेरिस के अंदर 2024 में होगा। और 34वां दोस्तों जो 2028 के अंदर लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित होगा। अगला पॉइंट दोस्तों, इस बार शुभंकर कौन था, मैस्कॉट कौन था? तो वो था दोस्तों मिराई तोबा। ये टोक्यो ओलंपिक का था। टोक्यो पैरालंपिक की बात करूंगा तो वो दोस्तों सोमेटी था। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ओलंपिक का क्या आदर्श वाक्य था? तो वो था दोस्तों सिटियस अल्टियस फोर्टियस। अब की बार एक नया शब्द जुड़ गया और वो है दोस्तों कम्युनिटर। क्या है? कम्युनिटर। अर्थ क्या है इसका? तो इसका अर्थ है फास्टर, तेजी से दोस्तों, हायर, ऊंचाई पे, और दोस्तों स्ट्रॉन्गर, मजबूती से, और साथ में नया क्या जुड़ गया? टुगेदर, साथ साथ दोस्तों। तो नोट कर लेना, अब नया आदर्श वाक्य जिसमें कम्युनिटर सब जुड़ गया है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। अगला क्वेश्चन देखिए, नए खेल कौन कौन से जुड़े दोस्तों? तो ये नए खेल हैं जो टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों पहली बार जुड़े हैं। स्केटबोर्ड जुड़ा है, इसके साथ दोस्तों सर्फिंग है, इसके साथ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है दोस्तों, और कराटे है। बेसबॉल जो है दोस्तों वो पहले भी था, बीच में बंद हो गया, टोक्यो ओलंपिक में वो वापस स्टार्ट हो गया। तो ये दोस्तों पहली बार नए खेल शामिल हुए, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और दोस्तों कराटे। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार, जिस दिन ओलंपिक शुरुआत हुआ उसी दिन दोस्तों ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस को दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो ओलंपिक का आयोजन करती है वो दोस्तों आईओसी, इसका जो दोस्तों गठन है वो आप सभी को पता है 1894 1894 को हुआ। इसका मुख्यालय दोस्तों ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष थॉमस बोक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला गोल्ड टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता दोस्तों? तो चीन की जो शूटिंग की खिलाड़ी है दोस्तों यान कियान, इन्होंने पहला दोस्तों गोल्ड जीता टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? आप सभी को याद होगा बरमूडा दोस्तों सबसे छोटा देश है जिसने स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे युवा टोक्यो ओलंपिक की सबसे युवा खिलाड़ी जिसने दोस्तों सबसे युवा एथलीट जिसने गोल्ड पदक जीता, उनका नाम है दोस्तों मोमीजी निशिया। क्या नाम है? मोमीजी निशिया है, जापान की है दोस्तों। किस खेल में जीता? स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो टोक्यो ओलंपिक की सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, मोमीजी निशिया, जापान की एथलीट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक जब शुभारंभ हुआ 23 जुलाई को, उस समय ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे दोस्तों मनप्रीत सिंह हॉकी के अंदर दोस्तों, और मैरी कॉम जो बॉक्सिंग के अंदर है, ये दोनों ध्वजवाहक थे। और जब दोस्तों समापन कार्यक्रम था, उस समय जो ध्वजवाहक थे वो थे दोस्तों बजरंग पूनिया, जिनका संबंध कुश्ती से। अगला पॉइंट देखिए, पदक तालिका में दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका दोस्तों पदक तालिका में शीर्ष पर है, 39
वहीं गोल्ड के साथ में कुल पदक की बात करो 113 दोस्तों कुल पदक है। दूसरे पर कौन है? चाइना दोस्तों दूसरे पर है 38 पदक के साथ में। जापान की बात करो जो मेजबान देश है दोस्तों वो 27 गोल्ड पदक के साथ में तीसरे स्थान पर। भारत की क्या स्थिति है? तो भारत दोस्तों 48वें स्थान पर है। कितने पदक के साथ में? टोटल दोस्तों 7 पदक के साथ में। और ये भारत का अब तक ओलंपिक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 7 पदक दोस्तों, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 दोस्तों सिल्वर है, 4 दोस्तों ध्यान रखना ब्रॉन्ज है, 1, 2 का 4। तो दोस्तों टोटल पदक कितने हो गए? टोटल पदक है 7। किस किसने भारत की तरफ से पदक जीता? आइए बात करें दोस्तों, भारत में जो 1 गोल्ड पदक जीता दोस्तों नीरज चोपड़ा जी ने 7 अगस्त, 8 अगस्त को ओलंपिक समाप्त होने थे और उससे एक दिन पहले दोस्तों 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक जेवेलियन थ्रो के अंदर 87.58 मीटर भाला फेंक कर दोस्तों गोल्ड की खोपड़ी में छेद कर दिया। तो नोट करना, हरियाणा के जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड जिलाया। ये गोल्ड कितने साल बाद आया दोस्तों? तो व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करो, ये दूसरे एथलीट हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। पहले एथलीट कौन थे? पहले एथलीट दोस्तों बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा शूटिंग के अंदर दोस्तों गोल्ड लेकर आए। तो कितने साल बाद? 13 साल बाद दोस्तों भारत की झोली में स्वर्ण पदक आया है। तो नोट कर लेना, व्यक्तिगत स्तर पर दूसरा गोल्ड मेडल है ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिल्वर की बात करो दोस्तों। सिल्वर की बात करूं या मैं आपसे बोल दूं, टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक कौन सा है? वो है दोस्तों मीराबाई चानू का। और ध्यान रखना, वेट लिफ्टिंग के अंदर है, भारत तोलन के अंदर है। कौन सी कैटेगरी है? 49 दोस्तों कैटेगरी है, 49 किलोग्राम कैटेगरी। और अगर पूछूं आपसे सिल्वर मेडल जीता है, मणिपुर से दोस्तों इनका संबंध है, वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है भारत तोलन की। कितना वजन उठाया? 202 किलोग्राम वजन उठाया। कर्णम मलेश्वरी, ये ध्यान रखना दोस्तों, ओलंपिक के इतिहास में पहली भारतीय महिला जिसने पदक जीता वो थी कर्णम मलेश्वरी। सन 2000 में दोस्तों सिडनी जो ओलंपिक हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसमें इन्होंने वेट लिफ्टिंग में दोस्तों आपके कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता। अगर पूछो उसी स्पर्धा के अंदर गोल्ड किसने जीता दोस्तों? अच्छी याद कीजिए, दोस्तों इन्होंने जीता गोल्ड पदक। कहां की है? चाइना की दोस्तों खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रवि धैया दोस्तों जिन्होंने धोबी पछाड़ दिया था, हरियाणा के हैं, 57 कैटेगरी दोस्तों, 57 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता। तो रवि धैया दोस्तों सिल्वर मेडल 57 कैटेगरी। इसके बाद बात करूं दोस्तों बजरंग पूनिया, अगर बात करूं कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सी कैटेगरी में जीता दोस्तों? 65 किलोग्राम। और किस दोस्तों खेल में जीता? तो फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर जीता। तो बजरंग पूनिया समापन कार्यक्रम में दोस्तों ध्वजवाहक भी थे, कुश्ती से संबंधित हैं बजरंग पूनिया। लवलीना बोरगोहन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इनका संबंध है किससे? बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से। कहां की है दोस्तों? असम की है लवलीना बोरगोहन। और कौन सा पदक जीता है इन्होंने दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीत लिया। कौन सी दोस्तों कैटेगरी है? तो नोट करना, 69 दोस्तों कैटेगरी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कैटेगरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा अगर सवाल को टफ करना होगा, थोड़ा हार्ड करना होगा, तो दोस्तों वो कैटेगरी की तरफ जाएगा। 69 जो किलोग्राम कैटेगरी है, या 57 दोस्तों अभी मैंने आपको पढ़ाया, या 65 है दोस्तों, या 49 है, ये चारों कैटेगरी आपको
पता होनी चाहिए। तो लवलीना बोरगोहन 69 किलोग्राम कैटेगरी दोस्तों, वेल्टर वेट बॉक्सिंग जो है उसमें कांस्य पदक जीता, तीसरी मुक्केबाज है दोस्तों। अब सवाल को ढंग से पढ़ना, अगर सवाल में पूछ ले दोस्तों कौन कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज ने ओलंपिक में दोस्तों पदक जीता, तो ये दूसरी दोस्तों क्या है, भारतीय महिला मुक्केबाज। इससे पहले एमसी मैरीकॉम दोस्तों पदक जीत चुकी है, ब्रॉन्ज मेडल सन 2012 के अंदर लंदन ओलंपिक में। अगर बात करूं दोस्तों मुक्केबाज कौन सी है, तीसरी है, क्योंकि विजेंद्र सिंह जो है दोस्तों वो 2008 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं दोस्तों बीजिंग ओलंपिक के अंदर। तो विजेंद्र जी दोस्तों 2008 बीजिंग में दोस्तों ध्यान रखना आपके आपके ब्रॉन्ज मेडल, मैरीकॉम 2012 लंदन के अंदर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल, और एम्स और लवलीना बोरगोहन दोस्तों इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद है पीबी सिंधु, इन्होंने दोस्तों एक नया कारनामा कर दिया, ये पहली भारतीय महिला है दोस्तों जिन्होंने ओलंपिक में दो पदक जीत लिए, और पूछ लो दूसरी भारतीय एथलीट है जिन्होंने दोस्तों ओलंपिक में दो पदक जीते। आप कहोगे खेल कौन सा है, बैडमिंटन है दोस्तों। इससे पहले दो पदक किसने जीते हैं, तो एकमात्र खिलाड़ी है दोस्तों, एकमात्र एथलीट है सुशील कुमार, कुश्ती से संबंधित हैं, उन्होंने दोस्तों दो पदक जीते हैं। तो मैं अगर कह दूं आपसे कि ये दूसरी एथलीट है जिन्होंने दोस्तों दो ओलंपिक में दो पदक जीत चुकी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 2016 में दोस्तों पीवी सिंधु ने, आपको पता था, रियो ओलंपिक के अंदर दोस्तों सिल्वर मेडल जीता, और 2020-21 में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आपसे फिर दोस्तों तो सवाल लिख के दे रहा हूं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, नोट कर लेना, सवाल सीधा पूछेगा आपसे कितने सालों के बाद में भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों पदक जीता, तो नोट करना 41 वर्षों के बाद में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों कांस्य पदक ओलंपिक में पदक जीता। मतलब इससे पहले 41 साल पहले 1980 का दोस्तों जो रूस में मास्को ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। भारत की हॉकी टीम दोस्तों अब तक 8 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। अगला पॉइंट बात करो, कतई जहर तथ्य, इनका संबंध दोस्तों सीधा सीधा पेपर से है और ओलंपिक से है। देखिएगा, दो एथलीट हैं जिन्होंने दो ओलंपिक पदक जीते भारत की तरफ से, सुशील कुमार दोस्तों सन 2008 के अंदर कांस्य पदक जीता इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में, सन 2012 में दोस्तों लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित हैं, और दोस्तों दूसरी हैं पीवी सिंधु, 2016 में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता रियो ओलंपिक में, और 2020 जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद देखिए ओलंपिक के इतिहास में भारत दोस्तों कितने पदक जीत चुका है, तो भारत ध्यान रखना टोटल 35 पदक जीत चुका है। देखिए कितना दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा कि अब तक भारत ओलंपिक में कितने पदक जीत चुका है, तो 35 पदक जीत चुका है, और बेहतरीन बना सकता है कि कितने गोल्ड जीते हैं, तो 8 तो दोस्तों हॉकी में गोल्ड जीते हैं, और इसके अलावा एक दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता है, एक दोस्तों नीरज चोपड़ा ने किसमें जीता है आपके, वो दोस्तों जेवेलियन थ्रो, टोटल 10 गोल्ड हैं, 35 दोस्तों क्या है टोटल पदक हैं। इसके बाद देखिएगा ओलंपिक का सर लोगो क्या है, आपने देखा होगा दोस्तों ये 5 रिंग है, क्या ये 5 रिंग है जो ओलंपिक का लोगो है, ये 5 रिंग दोस्तों पहली बात तो 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को दिखाएंगी, दूसरी बात दोस्तों इनका पांचों का रिंग का अलग अलग कलर है, तो नोट करना 5 रिंग में दोस्तों देखिएगा जो आपके ब्लू है वो ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है दोस्तों, जो ओशनिया है एशिया येलो के अंदर है, ब्लैक के अंदर दोस्तों अफ्रीका है, आपके ग्रीन में यूरोप है, और दोस्तों रेड के अंदर नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका दोस्तों अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा देखिएगा
थीम सॉन्ग क्या था, लक्ष्य तेरा सामने है, और किसने गाया दोस्तों इसको, मोहित चौहान ने गाया। तो टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है। अगला दोस्तों एक और खिलाड़ी है अम्मा मैकोन, ये बड़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है दोस्तों, और मेरे चेहरे की जो मुस्कान है आपको समझ चुके होंगे, ये वही दोस्तों सात समुंदर पार तैराक है। क्या है? तैराक है, सात समुंदर पार। कितने पदक जीते दोस्तों? सात पदक जीते। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया। सात समुंदर पार दोस्तों, तो लिख लेना एम्मा मैकोन ऑस्ट्रेलिया की तैराक है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किसने जीते दोस्तों? वो इन्होंने जीते हैं, सात पदक जीते थे तैराकी के अंदर, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो ये दोस्तों ओलंपिक के कुछ, टोक्यो ओलंपिक के कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपके सामने रख दिए, जिसमें सात जो भारत के पदक हैं 1, 2, 4 किस किसने जीते वो मैंने आपको समझाए। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को आप 2-3 बार देखना, टोक्यो ओलंपिक का कोई सवाल आएगा और उसकी खोपड़ी में आप छेद करना। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक। फिर तैयार रहना आप सभी, आज शाम को दोस्तों आप सभी के सामने आने वाली है 8 बजे दोस्तों एपिसोड नंबर 5 किसका, 7 फेरों का 5वां एपिसोड। हर एपिसोड 4 से 5 प्रश्न आपको देकर जाएगा। सीजीएल का पेपर कल हुआ है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा गया पार से किसकी इकाई है। 10 से 12 प्रश्न सीधे सीधे आपको 7 फेरों वाली सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो आज शाम को आप सब मेरा उत्साह होंगे। ध्यान रखना दोस्तों, तकलीफ में क्लास लूंगा, हर सवाल को चुन चुन कर आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तकलीफ के अंदर दोस्तों मैं जितनी एनर्जी है वो उन सवालों पर लगाऊं जो पेपर में सीधा सीधा छप सकते हैं। तो आज शाम को 8 बजे आपका साथ, मेरी मेहनत दोस्तों और राजूरी टीम, हम सब मिलकर, फूल पत्ती वाला परिवार मिलकर, खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, क्योंकि अब की बार मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा। और शाम को 8 बजे तैयार रहना दोस्तों अपने 7 फेरों वाली सीरीज के अद्भुत एपिसोड के अंदर। जय हिंद, थैंक यू।